हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से हम इमेज बना सकते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी हो। तो आइए हम स्टार्टिंग से देखते हैं किस तरीके से हम इसकी इमेज बना सकते हैं। जब भी हमने मिरर इमेजेस बनानी होती हैं तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, या मुख्य फोकस भी कहते हैं इसे हिंदी में। अब हमने क्या करना है, कंपास लेना है। इसे पहले मेजर कर लो, मैंने ये 6 सेंटीमीटर लिया है। इसे मेजर करके हमने कहीं पे भी कंपास की नीडल रख देनी है और मिरर ड्रॉ कर देना है। और जो मिरर है इस साइड रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, इसलिए हमने यहाँ पे ये लाइंस बना दी हैं, और अंदर वाली साइड रिफ्लेक्शन हो रही है इसलिए ये कनकेव मिरर है। अब हमने क्या करना है, इसे मेजर कर लेना है। ये हमने वैसे मेजर करके तो बनाया ही है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब हम इसका हाफ कर लेंगे, ये 3 सेंटीमीटर हो गया हाफ। ये जो पॉइंट है ये हमारा सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है जो हाफ किया हमने एफ फोकस, और ये पॉइंट जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को इंटरसेक्ट कर रही है, ये है हमारा पोल पी। अब हमने डायग्राम बनाना है जब वस्तु या व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, जब वस्तु को सी के पीछे परे रखा गया हो तो उसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ये हम देखेंगे। अब ऑब्जेक्ट ये है सी, सी से परे बियॉन्ड सी, तो ये सी है बियॉन्ड सी, मतलब इस साइड हम कहीं पे भी बना सकते हैं। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ बना दिया है। इसके ऊपर ऐसे एरो हम शो करेंगे जो ये मार्क करेगा कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इरेक्ट है, सीधा है। इसके बाद मैंने 4 पॉइंट्स पहले बताए हुए हैं कि जो भी लाइन स्ट्रेट आती है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है, ये लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ में से जाएगी। एक मैंने बताया था कि जो एफ में से आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और एक लाइन ऐसी होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वहीं से बैक चली जाती है, उसका रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट बताया गया था कि अगर कोई भी एंगल, जो ये हमारी इंसिडेंट रे होगी, आपतित किरण होगी, या जो भी एंगल यहाँ पे बनाएगी उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये बातें हमें नोट करनी है, इसी के अकॉर्डिंग हमने इमेज बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए कम से कम हमें 2 लाइनों की आवश्यकता होगी, और वो 2 लाइनें जहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करके मीट करेंगी वहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ, अगर तुम्हें पैरेलल लाइन बनाने में थोड़ी दिक्कत हो तो इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट लोगे उतना ही बड़ी रिफ्लेक्शन के लिए लेना है हमने पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, इसके बाद ये होगी हमारी इंसिडेंट रे। अब यहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन एफ में से जाएगी। एक लाइन ये इंसिडेंट रे थी, ये इसकी रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रे होगी। नेक्स्ट लाइन हम बना रहे हैं जो एफ में से जाएगी, पैरेलल बनाना है, जो इसकी रिफ्लेक्शन हुई वो पैरेलल जाएगी। यानी कि अब ये इंसिडेंट रे थी और ये इसकी रिफ्लेक्शन। अब इन दोनों रेज की जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो जहाँ पे भी मीट कर रही हैं वो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी।
अब हमें इस इमेज के बारे में चार पॉइंट्स लिखने होंगे, वो क्या है। इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन सी एंड एफ साइज इससे छोटा है, स्मॉल इन साइज एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज के मिलने से बन रही है, तो ये रियल इमेज। इन्वर्टेड, जो भी इमेज रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। तो ये बातें हमें, ये चार पॉइंट्स हमें हर इमेज के लिए लिखने होंगे। पोजीशन बतानी होती है, कहाँ बन रही है, साइज़ बताना होता है और उसकी नेचर बतानी होती है कि वो किस तरीके की बनेगी। ये पॉइंट्स हमने ध्यान रखने हैं, इस तरीके से आपने बनानी है जब जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी या सी से परे रखा हो तो।